आपका हमारे YouTube चैनल में, और आज हम बात करने वाले हैं एडवांस वाइज पार्ट थ्री की। तो इस एडवांस वाइज पार्ट थ्री में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे हम पैसिव में बदलेंगे, इसे हम देखेंगे इस पार्ट में। तो शुरू करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस सबसे पहले होता क्या है? तो इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस व्यक्त किया जाता है। सबसे पहले रूल्स देखेंगे स्टूडेंट्स ऑर्डर कमांड की। तो इसका एक्टिव पैटर्न होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है। इसे पैसिव में बदलने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले लेट द सेंटेंस को शुरू करते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर बी का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद से वर्ब के तीसरे रूप यानी कि V3 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है ओपन द डोर। इसे पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट द डोर है, उस डोर के बाद बी, फिर V3 ओपन का ओपन हो जाएगा, यानी कि लेट द डोर बी ओपन, ये इसका पैसिव हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें ऑब्जेक्ट है ग्लास ऑफ वाटर, सबसे पहले लेट, उसके बाद सब्जेक्ट ए ग्लास ऑफ वाटर, फिर बी, फिर V3 ब्रिंग का ब्रॉट। तो इस तरीके से हम ऑर्डर और कमांड का पैसिव बना सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में। आगे देखते हैं सेंटेंस बेस्ड ऑन एडवाइस, यानी एडवाइस पर आधारित वाक्य। तो इसका भी एक्टिव पैटर्न वही होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसे पैसिव बदलने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से शुड, उसके बाद बी, फिर V3। एग्जाम्पल है हेल्प द पुअर, इसमें द पुअर ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम सब्जेक्ट बना देंगे, यानी द पुअर हो गया यहाँ पर, फिर शुड, फिर बी, फिर V3, हेल्प का हेल्प हो जाएगा, द पुअर शुड बी हेल्प, ये हो जाएगा इसका पैसिव। अगला एग्जाम्पल है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये भी एडवाइस है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, योर पेरेंट्स हो जाएगा, योर पेरेंट्स यहाँ पर बना देंगे सब्जेक्ट, फिर शुड, उसके बाद बी, उसके बाद से रेस्पेक्ट क्या V3 रेस्पेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस पे आधारित वॉइस को एक्टिव में बदल सकते हैं। अगला रूल है सेंटेंस बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट पर आधारित सेंटेंस। इसमें एक्टिव पैटर्न होता है प्लीज या काइंडली, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद से रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिख देते हैं। इसमें एक चीज़ हम करते हैं कि प्लीज और काइंडली का लूप कर देते हैं, इसे हम हटा देते हैं जब हम पैसे में बदलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है एक्टिव में प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज हेल्प मी में प्लीज को हटा देंगे हम जो पैसे बनाएंगे, तो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू से, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है हेल्प मी, इसे हम यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा इसका पैसिव। अगला एग्जाम्पल है काइंडली पोस्ट द लेटर, इसमें काइंडली को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू से, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को लिख देंगे, पोस्ट द लेटर को लिख देंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट बेस्ड एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि रिक्वेस्ट में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, यानी कि रिक्वेस्ट का जो वर्ब होता है वो इंटरनेटिव होता है। जैसे यहाँ पर सिट डाउन में डाउन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो इसे बनाने के लिए सेम पैटर्न होता है जैसे कि ऊपर हम देखते आए हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, प्लीज को हटा देंगे और बाकी के सेंटेंस को लिख देंगे, सिट डाउन यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम रिक्वेस्ट बेस्ड एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। अगला रूल है पैसिव ऑफ इंटरनेटिव वर्ब इन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में जब इंटरनेटिव वर्ब का यूज़ किया जाता है तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले ऑर्डर के लिए हमें क्या करना होता है, सेंटेंस जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गो देयर, ये ऑर्डर है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यू आर ऑर्डर टू का इस्तेमाल करेंगे, फिर बाकी के बाकी को लिख देंगे। देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को जो कि है स्टैंड अप। तो स्टैंड अप में स्टैंड जो है वर्ब है और इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये स्टैंड इंटरनेटिव वर्ब है और इसे पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे कि यू आर ऑर्डर टू से शुरू करेंगे सेंटेंस को, क्योंकि स्टैंड अप ऑर्डर है, और फिर इसे स्टैंड अप को यहाँ पर लिख देंगे, यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिख देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इंटरनेटिव वर्ब इंपरेटिव सेंटेंस में अगर होगा और उससे अगर ऑर्डर का बोध होगा तो उसका हम पैसिव बना सकते हैं। इसका अगर एडवाइस है
तो एडवाइस में देख सकते हैं यहाँ पर कि वर्क हार्ड है, इसमें भी ये वर्क जो है ये इंट्रेंसिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो इससे हम क्या करेंगे, तो इसके इसको बनाने के लिए हम शुरुआत करते हैं पैसिव वाक्य की यू आर एडवाइस टू से, है ना। उसके बाद से क्या करते हैं कि जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उसको लिख देते हैं, यानी वर्क हार्ड यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस के एक्टिव को पैसिव में बदल सकते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो। फिर अगले अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका आप नेगेटिव कैसे बनाया जा सकता है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।